वहाँ पे 200 आदमी हों, 200 आदमी से हम लोग को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग गाँव जाने के लिए सोच रहा हूँ। गाँव में जाने के लिए हम लोग को अभी ट्रेन से नहीं, एक ट्रेन है, क्योंकि वो ट्रेन जो है वो 7 दिन में एक बार जा रहा है, इसलिए हम लोग सोचा था कैसे बस में जाएगा। बस में जाएगा तो 6,000 रुपया चाहिए अभी जाने के लिए, 6,000 रुपया नहीं होगा तो नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग क्या सोचा साइकिल लेके चला जाऊँगा। साइकिल में कल सुबह कल शाम को हम लोग 5:30 बजे निकल गए रूम से। जाने के बाद हम लोग को क्या हुआ, वहाँ पे जो पुलिस चेक गेट है ना, वहाँ पे कम से कम 500 आदमी खड़ा था, साइकिल वाला और पेडल वाला, पूरा आदमी को किसी को टाइम में किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए हम लोग पूरा टेंशन में, अभी क्या करेगा कैसे जाएगा, खाना पीना नहीं है, रूम भी छोड़ दिया, कम से कम 15 दिन हो गया। अभी सेंट्रल जाने के लिए सोच रहा हूँ, सेंट्रल में ट्रेन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, इसलिए हम लोग सोच रहा हूँ जो भी होगा हम लोग को कुछ सुविधा कर लेगा तो अच्छा होगा। साइकिल क्या हुआ, 1,000 रुपया दे दिया, जो पैसा हमारा पास था दोस्त का पास, घर घर में क्या किया, घर में बोल के कैसे पैसा दो, हम लोग कैसे जाएगा, घर में दिया पैसा। देने के बाद एक आदमी 1,000 रुपया में साइकिल दे के, पैसा दे के वो साइकिल लेके आया। साइकिल से अभी हम लोग सोचा कि 5-6 दिन लगेगा, 1200 किलोमीटर है ना उड़ीसा जाने के लिए, इसलिए हम लोग सोच रहा हूँ कि उड़ीसा चला जाएगा इसमें, क्यों पुलिस अभी लोग अभी क्या हो रहा है हम लोग को नहीं छोड़ रहा है, पुलिस छोड़ेगा तो हम लोग अच्छे से जा सकता हूँ ना, नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा, पिटाई कर रहा है, मार रहा है पूरा आदमी को, इतने टेंशन दे रहे हैं हम लोग को, क्या करो, हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कल शाम से अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं खाया हूँ, इसलिए हम लोग पूरा भूखी में हूँ, जो भी हम लोग को कुछ मदद करेगा तो अच्छा होगा भगवान के लिए। सैलरी आया था, क्योंकि वो जो आया था वो 2 महीने का पहले आया था, अभी नहीं आ रहा है ना, अभी जो काम कर रहा था हम लोग काम में नहीं जा रहा, हम लोग को कैसे कौन देगा पैसा। मैं चेन्नई से इधर था, मैं वेस्ट बंगाल जाएगा, इधर बस किया, एक आदमी का 7 आदमी में एक बस में 30 आदमी जाएगा, 30 हमारा इधर खाना नहीं है कुछ नहीं है, पुलिस स्टेशन जाता है कुछ नहीं प्रॉब्लम करता है, कुछ नहीं बोलता है, मीडिया आता है कोई प्रॉब्लम करता है तो कोई बात नहीं बोलता है, ऐसा चल जाता है, हाँ ट्रेन दे देगा, 2 दिन बाद दे देगा, 3 दिन बाद दे देगा, ऐसा बोलता है। हम लोग अभी 2 महीना वेट किया, इसलिए अब अपना घर में जाता है, मम्मी मेरा डैडी पैसा भेजा, कोई मेरा गहना था उसका दुकान में डाल के मेरे को पैसा दिया, पैसा दे के हम लोग अभी घर जाने वाला है, क्यों हमारा तो खाना नहीं मिलता है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए जाता है। I think that also Tamil Nadu is making a problem about the migrants. Tamil Nadu should be encouraging and facilitating the migrants in Tamil Nadu who want to leave to leave. If you put them in jail-like conditions, in labor camps, and you feed them, the disease will still incubate and spread within them. You should allow them to go. It is their right. It is the humane thing to do. Everybody wants to reunite with families. The more you threaten him with death, the more my instinct is, let me at least see my wife, my mother, my children before anything happens to me. And therefore, this when you oppress people, when you treat people as if they are the vector of the disease rather than the object of your care. You know, when you see a person, you should see him as a sick person whom you are helping, not as somebody who can spread the disease. What does it mean to say that I am not allowing migrants from Tamilians who are migrants in Maharashtra to come back because they can bring the disease? Is the disease more important than the... You are admitting that the migrant may be sick, but you don't see your duty in treating him. You're not saying, if I let him be there, he's going to get sick further. And he's a Tamil person, I should bring him back and treat. Your responsibility is not towards care to him. You're treating him like in a malaria program, you treat a mosquito only as a carrier of a disease, not as a person who requires care. So this particular dimension where you have actually, so the migrant sneaks in, he comes in without telling you, whereas he should actually be welcomed in and say, come, you're back, you're sick, you belong to me, I'll take care of you. This message is very, very weak in Tamil. It's been over a month. We have not got any work to do. We don't know if we will be able to go back to our native places. There is a train that goes but does not stop at all stations where we need to get down. Our children are alone at our home.
They are willing to pay our salary. But we wonder, if there is no work, how are they going to pay us? This way leads to Andhra border. Perhaps we might find any lorry or truck that might help us reach our home.